एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने जो व्हाइट हैड जूनियर के फेक एडवर्टीजमेंट्स थे उनको बैन कर दिया है। जो झूठे एडवर्टीजमेंट दिखाकर वो लोगों को बेवकूफ बना रहे थे उसके ऊपर ASCI ने करारा एक्शन लिया है। नमस्कार दोस्तों, राइट टू शिक्षा में आपका स्वागत है। राइट टू शिक्षा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर अपने वीडियोस बनाता है ताकि आपको मिले सही और सटीक जानकारी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पिछले कुछ समय में दोस्तों आपने देखा होगा कि व्हाइट हैड जूनियर नाम की एक कंपनी बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही थी। कुछ महीने पहले ही बायजूस ने इस कंपनी को 2200 करोड़ रुपये में खरीदा था। उसके बाद इस कंपनी का इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है और किसी भी रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी के लिए लगातार ASCI को इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। दोस्तों आपने भी शायद कभी IPL देखते हुए देखा होगा कि किस तरीके का एडवर्टीजमेंट ये लोग कर रहे हैं। एक एडवर्टीजमेंट ये लोग कर रहे थे जिसमें साफ ये लोग दिखा रहे हैं कि 13 साल के बच्चे का 20 करोड़ का पैकेज है। झूठ की जो भी सीमाएं होती थी इन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में सारी खत्म कर दी। इनकी जो पेरेंट कंपनी है व्हाइट हैड जूनियर की बायजूस, वो अपनी ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए जानी जाती है। इतनी ज़्यादा एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं ये लोग, जितना भी एडवर्टीजमेंट पॉसिबल है उससे भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जिस तरीके के फेक एडवर्टीजमेंट दोस्तों ये लोग लगातार दिखा रहे हैं कि 6 साल के बच्चे को हम रॉकेट बना देंगे, 8 साल के बच्चे को तो हम NASA में भेज देंगे, उस स्तर पे दोस्तों मैं बता दूं आपको, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है बच्चों के ऊपर। अब हम एक 8 साल के बच्चों के ऊपर अपने उम्मीदों के सारे सपने थोप देते हैं, जिससे उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। इसी तरीके से कई सारे फेक एडवर्टीजमेंट ये लोग लगातार दिखा रहे थे कि छोटे बच्चे के क्लासेस जो है वो मस्ट है इनके लिए, और सरकार ने भी इस तरीके के रेगुलेशन बना दिए हैं कि अब बच्चों को कोडिंग पढ़ाना पड़ेगा, सब झूठ है। ऐसा कोई सरकार ने दावा नहीं किया है कि 6ठी क्लास के बच्चों को कोडिंग कंपलसरी है। ये सब झूठ ये लोग फैला रहे हैं ताकि इनकी क्लासेस बिकती रहें। फेक एडवर्टीजमेंट की एजुकेशन सेक्टर में हद जो व्हाइट हैड जूनियर ने पार की है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसी सिलसिले में फाइनली ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को इनको बैन करना पड़ा। अब सवाल उठता है, जो डैमेज हुआ उसका क्या? जो फेक एडवर्टीजमेंट दिखाकर इन्होंने बहुत सारी क्लासेस ले ली, बच्चों का एडमिशन ले लिया, उसका क्या? मैं साफ बता दूं दोस्तों आपको, उसका कुछ भी नहीं होगा। वो चीज़ें वैसी की वैसी चलते रहेंगी। यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाकर क्या आपके बच्चे के लिए ठीक है वो करना चाहिए। हम लोगों ने दोस्तों एक डिटेल रिव्यू भी बनाया है कि क्या कर रहे हैं व्हाइट हैड जूनियर वाले। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। मेरा आपसे सवाल है दोस्तों कि क्यों हम अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। सालाना फीस 2.25 लाख से 2 लाख रुपए तक पड़ती है इनकी, और एक कोर्स को कंप्लीट करने में 5 से 6 साल लगते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग तैयार हैं अपने बच्चों को कोडिंग की भट्टी में झोंकने के लिए। आपका क्या व्यूज़ है दोस्तों, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरीके के झूठ को लगातार आप लोगों के सामने लाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।